राम राम, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे ग्राउंड पे रनिंग कर रहे हैं या फिर रोड पे रनिंग कर रहे हैं, कहाँ करनी चाहिए। अगर हम दोनों जगह कर रहे हैं तो अगर साइड इफेक्ट कुछ आते हैं उनसे कैसे बच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले पर्सनल ट्रेनिंग के लिए व्हाट्सएप कर लेना, सामने नंबर आ रहा है। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि रोड रनिंग की, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही दे रहा है ना। अब देखो, कुछ जगह पे ट्रैक ऐसा होता है या फिर रोड ऐसी होती है कि वो थोड़ी सी स्पॉन्जी टाइप की होती है, मतलब कि जब उस पर तुम पैर रखते हो तो वो एकदम से फोर्स नहीं डालती तुम्हारे पैरों पर, थोड़ा सा दबती है वो रोड। कई जगह ऐसी बनी है आजकल रोडें, लेकिन अधिकतर जो 90% रोडें हैं वो हार्ड सर्फेस वाली हैं कि तुम एकदम कड़क वाली रोड है, ठीक है। अब उनमें क्या करना है वो समझते हैं। देखो, जब भी तुम इस तरीके का, अगर ग्राउंड ऑप्शन है तो ग्राउंड पे ही जाओ, या फिर कोई ट्रैक है तुम्हारे यहाँ स्टेडियम है तो वहाँ जाओ। लेकिन अगर मजबूरी बस तुम्हें जाना ही पड़ रहा है रोड में, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ देखो, जब भी रोड पे रनिंग करते हो तो सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में तुम्हारे क्या आता है, कॉन्टैक्ट होता है पैर का पंजा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें क्या करना है, जूते सही लेने। अब जूते के ऊपर हमने प्रॉपर लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करोगे, जूते, ठीक है। जब तुमने जूते अच्छे पहन लिए हैं, अब जूते जब अच्छे पहन लोगे तो जूते का सोल बहुत बेहतरीन होना चाहिए। अब जूते का सोल अगर बढ़िया है तो उससे होगा क्या कि जो भी तुम्हारा रोड का शॉक जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है पैर की तरफ, वो सब वो जूता एब्जॉर्ब कर लेगा। जितना भी शॉक आ रहा है ना, वो जूता एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि ऊपर की तरफ तुम्हारा जो प्रॉब्लम हो रही है, सिन पेन हो रहा है, काफ पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, हिप में कुछ दिक्कत आ रही है, ये सारी दिक्कतें खत्म हो गई यहाँ से, ठीक है। दूसरी चीज़, अब होता क्या है, बार बार जब इस तरीके की चीज़ें होती, बार बार आप जब प्रेस करते हो जमीन को, फोर्स डालते हो अपनी बॉडी पे, तो यहाँ पे हमारे जॉइंट्स थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, होता ही है। क्योंकि उनके बीच में जो फ्लूड होता है वो कम होने लगता है, घिसने लगता है, जिससे तुमने देखा हो कई बार आवाज़ें आने लगती है या फिर दर्द होने लगता है। बारिश बहुत ताबड़तोड़ हो रही है, एंजॉय करो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें करना ये है कि जब तुम कुछ भी डाइट ले रहे हो तो उसमें से गुड फैट जरूर ले लो। अगर कोई मछली खा रहा है तो उसको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, मछली में पर्याप्त मिल जाता है। अगर मछली नहीं खा रहे हो तो ड्राई फ्रूट्स या फिर जितने भी बीज आते हैं, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर, पम्पकिन, ये जितने आते हैं ये सीड्स खा सकते हो। या फिर अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो एक ओमेगा 3 का कैप्सूल खा सकते हो। ये क्यों खाना है उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो, अगर गुड फैट्स तुम्हारी बॉडी में अच्छे रहेंगे तो जितने भी जॉइंट्स हैं वो बढ़िया रहेंगे, ठीक है। अब जॉइंट्स बढ़िया हैं तो जितना भी शॉक लगेगा वो हैंडल हो जाएगा, उतना ज़्यादा पेन नहीं आएगा, ठीक है। आखिरी बात अगर हम ये करते हो, ग्राउंड पे अगर रनिंग कर रहे हो तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आखिरी बात अगर हम करें, रोड रनिंग अगर कर रहे हो तो आखिरी बात ये है कि कैल्शियम और विटामिन डी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, अगर लॉन्ग टर्म में रनिंग कर रहे हो तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहला क्या होगा, गुड फैट्स का सही यूज़, मतलब ड्राई फ्रूट्स, सीड्स सब खाने। दूसरे नंबर पर क्या होगा, जूते अच्छे ब्रांड के ले लेना। तीसरे नंबर पर कैल्शियम और विटामिन डी का ध्यान रखना। अब कैल्शियम तो तुम दूध से इससे ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन डी के लिए भी तुम्हें टैबलेट लेनी ही पड़ेगी। 80 रुपये का एक पत्ता आता है, महीने भर चलता है, वो एक ले लो और उतने में काम हो जाएगा। इतनी चीज़ें ये करोगे तो रनिंग कहीं पे भी करो, उससे कोई खास फर्क पड़ना नहीं है। होता क्या है, हमारी डाइट में इतनी कमी होती है जिसकी वजह से सारी दिक्कतें आ जाती हैं। राम राम, जय हिंद।